इसने देखा कह रही तो शाहजहां अभी जिंदा है, जब पहुंचा दिल्ली से देखा कह रही तो शाहजहां अभी जिंदा है, तो इसको बंदी करो, बंदी बनाओ पहले, इसी के कारण सब मार झगड़ा हो रहा है, इतना मार झगड़ा इसी के कारण हुआ, पहले इसको बंदी बनवा लिया और जेल में डलवा दिया। और उसके बाद फिर देवरायगढ़ की युद्ध में कौन आया, फिर ये दारा सिंह आ गया, इस बार दारा सिंह को पकड़ लिया और इनको मार दिया, काम खत्म। तब तक फिर मुरादो बख्श उधर से आ गया, हमको राजा नहीं बनाया, मुरादो बख्श का फाइल निपटा दिया वहीं पर, कौन निपटा रहा है ये सब औरंगजेब कर रहा है, मुरादो बख्श का फाइल निपटा दिया। उसके बाद तब तक आया सासुजा आ गया उधर से, इनको भी कहे सासुजा रुको 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 तू कहां जा रहे हो, इनका भी फाइल वहीं पर निपटा दिया, तीनों भाई का फाइल निपट गया। आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट टू हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर सिक्स का ये भाग 15 है, समझ लीजिए कितना लंबा चैप्टर है ये, और इसके बाद एक और भाग आएगा, उसके बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ये क्लास एक है और एक अगला क्लास, दो क्लासेस में पूरा ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया, यानी 15 और 16वां भाग में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद मॉडल सेट देंगे, और ये बहुत ही लंबा चैप्टर है। तो इससे पहले वाला 14वां भाग का आपने 14वां भाग, इससे पहले वाला भाग नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, शाहजहां के बारे में, इसके बारे में शाहजहां, इसके पिता का नाम जहांगीर था। अब देखिए समझिए इसको, इसके बारे में इसके पिता का क्या नाम था, जहांगीर, और इसका जन्म हुआ था 1592 में, इसके पिता का क्या नाम था, इसके पिता का नाम जहांगीर था, उसकी माता का नाम जगत गोसाई था, ध्यान रखिएगा जगत गोसाई। और इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसके दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेवारी इसी को दी गई थी, इसने मलिक अंबर को हराया था, ध्यान रखिएगा मलिक अंबर को क्या किया था, इसने हराया था। अब इसके बाद इसके इसके इसकी पत्नी जो थी उसका क्या नाम था, मुमताज, ध्यान रखिएगा मुमताज। इससे कितने बच्चों का जन्म हुआ, 14वां बच्चे का जन्म देते समय इसकी मृत्यु हो गई, जिसके याद में इसने ताजमहल बनवाया, ध्यान रखिएगा ताजमहल जिसकी याद में इसने क्या करवाया था, ताजमहल बनवाया था, मुमताज की याद में इसने ताजमहल बनवाया था। और उसके बाद इसने क्या किया, देखिए बहुत बहुत ज्यादा इसको धक्का लगा था इस समय, जब मुमताज की मृत्यु हुई तो बहुत ज्यादा धक्का लगा था इसको, तो ये मतलब बहुत दिनों तक ये चिंता में ही डूबा रहा, बहुत ज्यादा इसको धक्का लगा था, समझ लीजिए इतना ज्यादा गहरा इस पर प्रभाव पड़ा था, कई दिनों तक इसके मन पर, इसके दिमाग पर बहुत खराब असर पड़ा था, और ऐसा था कि ये महल से बाहर नहीं निकलता था, क्या करता था, महल में ही रहता था, समझ लीजिए इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा था इसके दिमाग पर। अब क्या हुआ, ताजमहल बनवाया, और ताजमहल के जो देख रेख की जिम्मेवारी दिया था, वो देख रेख की कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ईसा खां को दिया गया था, ईसा खां और उस्ताद अहमद को जिम्मेवारी दिया गया था, इसकी डिजाइनिंग करने के लिए सबसे जिम्मेवारी उस्ताद अहमद को दिया गया था, और देख रेख करने की जिम्मेवारी इसको। और इसने क्या किया, अपने राजधानी बदल दिया, आगरा से राजधानी लेकर चलाया दिल्ली, कहां, आगरा से दिल्ली राजधानी लेकर चलाया, यहां पर बनवाया जामा मस्जिद बनवाया। उसके बाद लाल किला, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, लाल किला यही बनवाया, और लाल किला में क्या बनवाया, दीवाने खास आम और दीवाने खास दो को जगह बनवाया, दीवान ए आम और दीवान ए खास दो को जगह बनवाया। ये दो को जगह बनवाया, दीवान ए आम जो होता था, आम लोगों से जब बातचीत करना होता दीवान ए आम, और खास लोगों से जब मीटिंग, बड़ा मीटिंग करना होता दीवान ए खास। और दिल्ली का लाल किला बहुत बड़ा लाल किला है, ये जामा मस्जिद के पास में है, ध्यान रखिएगा दिल्ली का लाल किला जामा मस्जिद के पास में है, देखिएगा एकदम उसका रंग लाल है, इसीलिए लाल किला कहा जाता है, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेड फोर्ट, ध्यान रखिएगा इंग्लिश में रेड फोर्ट कहा जाता है। और इसने मयूर सिंहासन भी बनवाया था, ध्यान रखिएगा इसने मयूर सिंहासन बनवाया था, और उसके मयूर सिंहासन मोर का चित्र बनवाया था, और उसके ऊपर कोहिनूर हीरा लगवाया था, अपने ऊपर यहाँ पर क्या किया था, कोहिनूर हीरा लगवाया था। जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया आया था, देखा था बड़ा बढ़िया सिंहासन उखाड़ कर लेकर चला गया, यहाँ से जो कोहिनूर हीरा लगा हुआ मयूर सिंहासन था इसका, ये जो शाहजहां का, उसको उखाड़ कर लेकर चला गया, लेकिन उस समय शासक शाहजहां नहीं था, उस समय मोहम्मद था, इसी वंश का मतलब वो कमजोर राजा था, इसी वंश के बाद में वो राजा हुआ, वो कमजोर राजा था, उस समय नादिर शाह आक्रमण किया या दिल्ली पर, और वो मयूर सिंहासन उखाड़ कर लेकर चला गया, यानी उसमें जो हीरा लगा था कोहिनूर का ही, जो सब उखाड़ कर सब लेकर चला गया, समझ लीजिए।
वो ये शुक्र मनाए कि इसके समय हुआ कर्म ना करके कोहिनूर हीरा लेने के चक्कर में नहीं आया, नहीं तो इस समय मरा गया होता। लेकिन उस समय क्यों नहीं मराया, क्योंकि उस समय शासक कमजोर थे। क्या थे शासक उस समय? कमजोर। वो जो मोहम्मद शाह था वो बहुत कमजोर शासक था। तो मयूर सिंहासन बनवाया, उस पर क्या लगवाया था? उसके ऊपर क्या लगवाया था? कोहिनूर का हीरा लगवाया था। और एक बात, इस 1628 ईस्वी में हर गोबिंद सिंह सिख के छवे गुरु थे। ध्यान रखिएगा, सिख के छवे गुरु। इससे थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो गया किसका, शाहजहां का थोड़ा वाद विवाद हो गया था किससे, ये हर गोबिंद सिंह से, ध्यान रखिएगा, वाद विवाद हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, इसने और भी कई कार्य किए। इसने इलाही संवत, इलाही जो दिन देखने वाला कैलेंडर होता है, इलाही संवत 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 हटाकर हिजरी संवत को चालू किया। हिजरी संवत को पुनः चालू किया। पहले चालू था हिजरी संवत, फिर बंद हो गया। अकबर ने अपना इलाही संवत चालू कर दिया। ये अकबर द्वारा इलाही संवत चालू किया गया, ध्यान रखिएगा, अकबर। और उसी के समय से चलता आ रहा था, इसने कहा बंद करो, आ जाने का बंद करो ये इलाही संवत, अब कहा चलेगा, हिजरी संवत चालू करना शुरू किया, ध्यान रखिए। अब इसको, इसके बच्चे को थोड़ा देख लेते हैं, इसके जो कुल कितने बच्चे हुए, 14, लेकिन बच्चे कितने, 7, जिंदा कितने रहे, 7। अब 7 में 3 गो लड़की थी और 4 गो लड़का था। लड़की कितनी थी, लड़की 3 गो थी और लड़का 4 गो था। लड़की, एक लड़की का नाम आता है जहां आरा, ये विदुषी थी। विदुषी मतलब जैसे विद्वान होते हैं ना, पुरुष होंगे तो विद्वान, महिला होगी तो विदुषी, यानी विद्वान थी, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे रचनाएं किया था इसने, और आजीवन मतलब बिना शादी के रही थी, कुंवारी आजीवन रही थी, बिना शादी नहीं किया था इसने, ध्यान रखिएगा, जहां आरा ने। चलिए अब इसके लड़कों के बारे में थोड़ा देख लेते, कौन कौन था और कहां किसकी जिम्मेवारी इन लोगों को मिली थी। पहला बात कर लेते हैं दारा सिको। दूसरा कौन था, शाह सुजा। तीसरा था औरंगजेब। और पांचवा था, सॉरी चौथा था मुराद बख्श था। अब समझिए, सबको अलग अलग जगह की जिम्मेवारी दी गई थी, इसको मिटा देते हैं, यहीं पर लिखेंगे। सबको अलग अलग जगह की जिम्मेवारी दी गई थी, यानी अलग अलग जगहों का राज्यपाल इन लोगों को नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। अब देखिए, सबसे पहले ये भारत का मैप थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले दारा सिको के बारे में बात कर लेते हैं। इसको पंजाब का जो राज्यपाल नियुक्त किया गया था। शाहसुजा को बंगाल की जिम्मेवारी शाहसुजा को दी गई थी। औरंगजेब दक्षिण भारत की जिम्मेवारी दी गई थी। और मुराद बख्श को गुजरात की जिम्मेवारी दी गई थी, गुजरात। अब देखिए यहाँ पर कौन था, ये समझ लीजिए। यहाँ पर पंजाब, ये हो गया दिल्ली, ये सटा हुआ इलाका पंजाब दिल्ली। अब यहाँ पर कौन था, दारा सिको था, ध्यान रखिएगा, दारा सिको, ये दिल्ली था, दिल्ली राजधानी लेकर आ गया था। और ये शाहजहां दिल्ली में ही रहता था, ये इधर गुजरात वाले क्षेत्र में कौन था, गुजरात वाले क्षेत्र में मुराद बख्श था। और इधर बंगाल वाले क्षेत्र में कौन था, ये शाहसुजा था, बंगाल। और दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में औरंगजेब दक्षिण भारत, शाहसुजा जो था ये बंगाल वाले क्षेत्र में था, और ये मुराद बख्श जो था वो गुजरात वाले क्षेत्र में था। और नजदीक पंजाब वाले क्षेत्र में कौन था, दारा सिको। क्या हुआ, सबसे प्रिय पुत्र दारा सिको होता किसका, ये शाहजहां का। शाहजहां ये राजा किसको बनाना चाहता था, दारा सिको को, ध्यान रखिएगा। शाहसुजा औरंगजेब और मुराद बख्श को राजा नहीं बनाना चाहता था, किसको, दारा सिको को। क्यों दारा सिको को राजा बनाना चाहता था, क्योंकि ये मूल रूप से सहिष्णु था। सहिष्णु मतलब सभी धर्मों को मान्यता देता था, किसी भी धर्म को ऐसा नहीं करता था कि ये धर्म ज्यादा है, ये धर्म खराब है, ये धर्म अच्छा है, सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखता था। कौन, ये दारा सिको। और दारा सिको ने क्या किया था, भगवद गीता और उपनिषद को भी फारसी में अनुवाद किया था, ध्यान रखिएगा। दारा सिको ने भगवद गीता और उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था, यानी कि सहिष्णु ठीक ठाक था। तो इसी को चाहता था कौन, शाहजहां की राजा बने। लेकिन अब हुआ ये कि शाहजहां का तबियत रहने लगा खराब, ये बूढ़ा हो गया था, तबियत रहने लगा खराब, तो अफवाह उड़ा दिया गया कि शाहजहां की हो गई मृत्यु। अभी तबियत खराब ही था तब तक इसको बुला लिया गया, दारा सिको को दिल्ली बुला लिया गया, कहां से, पंजाब से दिल्ली बुला लिया गया।
और जैसे ही अभी तबियत खराब था तब तक क्या हुआ, शाहजहां ये दारा सिकोह को राजा घोषित कर दिया गया। किसको? राजा घोषित कर दिया गया दारा सिकोह को, कि दारा सिकोह बन गया राजा। अब सारे जगह अफवाह उड़ गया कि दारा सिकोह जब राजा बन गया यानी शाहजहां की मृत्यु हो गई, तो अभी तो दारा सिकोह राजा बना होगा ना, कि शाहजहां जिंदा है तो दारा सिकोह राजा बन जाएगा। जबकि इसकी तबियत खराब थी, ध्यान रखिएगा, इसने अपने ये जिंदा रहा तभी किसको राजा बना दिया गया, दारा सिकोह को इसने राजा बना दिया। लेकिन अफवाह क्या उड़ गई कि ये मृत्यु हो चुकी है शाहजहां की और दारा सिकोह राजा बन गया है। जब इन लोगों को पता चला, यहाँ शाहजहां को पता चला, औरंगजेब को पता चला, इधर मुराद बख्श को पता चला, ये सबको पता चला, जैसे ही पता चला सब अपने अपने रथ और घोड़ा सैनिक लेकर निकल गए दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, दारा सिकोह पर आक्रमण। कैसे राजा बन गए तुम राजा बने कैसे, ये पहले बताओ हमको। अभी हम लोगों से कोई निर्णय नहीं हुआ, चार को भाई निर्णय नहीं हुआ, तुम राजा कैसे बन गए अपने से। और खासकर ये शाहसूजा जो था बंगाल को पहले स्वतंत्र घोषित किया, कहा गया हम ही राजा हैं बंगाल के, बाद में बंगाल का कोई क्षेत्र अधिकार होगा, पहले बंगाल के तो राजा हम हैं, और बाद में अभी दिल्ली भी अपनाएंगे, दिल्ली को भी क्या करेंगे, हथियाएंगे दिल्ली को भी। इधर से सेना लेकर ये दौड़ा, इधर से सेना लेकर ये दौड़ा, इधर से सेना लेकर ये दौड़ा। अब पड़ गया दारा सिकोह की, अब युद्ध करे तो करे किससे हम, मतलब तीन गो सेना है पड़ी है इसके पीछे, तीनों सेना अपना चल रहा है, लेकिन एक ही दिन में नहीं ना आ जाएगा, इतना थोड़े है, महीनों लग जाता था आने में, ध्यान रखिएगा महीनों का समय लग जाता था दिल्ली आने में। अगर गुजरात से दिल्ली आना है, दक्षिण भारत यानी कि मान लीजिए कर्नाटका वाला क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, इससे दिल्ली आना है, या हो गया पश्चिम बंगाल, इससे दिल्ली आना, कोई मतलब महीनों का समय लग, पैदल आते थे सभी लोग, दौड़ा दौड़ा कर घोड़ा थोड़े के आएंगे, एक घंटा आएगी दौड़ा करके चले आएंगे, कई महीनों तक हो जाता था, ध्यान रखिए। इधर से सेना लेकर चल दिया, इसने भी तैयारी शुरू कर दिया कि ये सभी लोग आ रहे हैं। इन लोगों के बीच कुल चार गो युद्ध हुए, ध्यान रखिएगा, चार गो युद्ध। किस ट्रिक से याद करते हैं, ट्रिक को लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा इस ट्रिक को, इसका ट्रिक है बाघ सा देव। अब बस क्या होगा, बहादुरपुर का युद्ध हुआ, घर मठ का युद्ध हुआ, सामूगढ़ और देवरायगढ़। अब देखिए युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, बहादुरगढ़ का युद्ध फरवरी में हुआ, फरवरी 1658, ध्यान रखिए फरवरी में हुआ। अब बहादुरपुर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, इधर से कौन चलाता है, इधर बंगाल से शाहसूजा चला, ध्यान रखिएगा। ये बहादुरपुर वाला युद्ध के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, इसको कहां लिखे, इधर लिख देते हैं, बहादुरपुर वाला युद्ध में इधर शाहसूजा चला था, इसका दारा सिकोह ने अपना बेटा सुलेमान को भेजा, सुलेमान और किसके बीच में हुआ ये लड़ाई, शाहसूजा के बीच में, शाहसूजा को घेर लिया इधर, सुलेमान आगे बढ़कर ये बंगाल से आ रहा था ना, पता नहीं चला इसको, यही पर घेर लिया, घेर को जम कर एकदम पिटाई किया, जम के पिटाई के मतलब समझते हो, सुलेमान ने इसको शाहसूजा को बढ़िया धारा दिया, सुलेमान वापस भाग गया, कहां बंगाल में, कहां भाग गया वापस, ये बंगाल भाग गया, सॉरी शाहसूजा क्या हुआ, बंगाल भाग गया हार कर। दूसरा युद्ध हुआ घरमठ का युद्ध। अब घरमठ के युद्ध ये फरवरी में हुआ था ना, तो ये अप्रैल में। अब जब ये बात पता चला औरंगजेब और उसके बाद मुराद बख्श दोनों को पता चला कि ये सुलेमान ने इसको पीट कर भगा दिया है शाहसूजा को, तो ये लोग कह रहे हम लोग अकेले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये दोनों मिल गया, मुराद बख्श और औरंगजेब मिल गया, कह रहा है बाद में फैसला कर लेंगे कि राजा कौन बनेगा, लेकिन पहले इसको हराना जरूरी है, दारा सिकोह को वहां से उठाकर फेंकना जरूरी है। तो औरंगजेब ने कहा बढ़िया है, पहले बाद में फैसला कर लेंगे, लेकिन नेतृत्व औरंगजेब कर रहा था। तब हुआ अप्रैल में घरमठ में युद्ध हुआ, ये दारा सिकोह उसके इन ये दोनों औरंगजेब और मुराद बख्श एक तरफ से थे और दारा सिकोह एक तरफ से, तो यहां पर जीतेगा कौन, हार गया दारा सिकोह और ये दोनों क्या हो गए, जीत गए। और यहां से दारा सिकोह को भागना पड़ा, फिर ये दारा सिकोह अपने सेना को एकत्रित करके फिर युद्ध किया, कब, ये फरवरी में अप्रैल में, फिर जून में किया, फिर जून 1658 में जून में। इस बार ये औरंगजेब को आगे घुसा के बार बार तुम्ही से लड़ते चलेंगे घरमठ, यहाँ पर सामूगढ़ के युद्ध में, एक मिनट, सामूगढ़ के युद्ध हुआ, यहाँ देवरायगढ़ में नहीं, सामूगढ़ में, ध्यान रखिएगा, सामूगढ़ वाला जून में हुआ। तो जून में युद्ध हुआ, तो क्या हुआ, फिर ये दारा सिकोह आया और उधर सेना संगठित करके, तो फिर औरंगजेब ने इसको दारा सिकोह को हरा दिया। अब देखिए मार नहीं रहा था इसलिए ना कि भाई था,
पीट कर भगा दे रहा था, भागो यहाँ से जल्दी, तो भगा दे रहा था। लेकिन ये समझ ये नहीं रहा था दारा सिंह को। अब फिर देवरायगढ़ के फिर कुछ दिनों बाद आ गया ये देवरायगढ़ के युद्ध में। सबसे पहला बहादुरपुर का युद्ध हुआ किसके, कि सुलेमान और शाहसुजा के बीच में, सुलेमान और शाहसुजा के बीच, इसके दारा सिंह का लड़का था सुलेमान और शाहसुजा के बीच में हुआ। तो शाहसुजा हारकर बंगाल भाग गया। फिर ये अप्रैल में हुआ दारा सिंह और इन दोनों के बीच में, इन दोनों एक तरफ से थे और दारा सिंह एक तरफ से, दारा सिंह हार गया भाग गया। फिर सामूगढ़ का युद्ध, फिर दारा एक तरफ, इन दोनों एक तरफ, फिर ये क्या कहते हैं दारा सिंह को आया लड़ने के लिए और फिर क्या हुआ हार गया। और यहाँ पर जून का जब युद्ध हुआ जून में, तो ये क्या हुआ इसने अपना राज्याभिषेक करवा लिया, राज्याभिषेक करवा लिया कौन, औरंगजेब। अब हो गया मुराद बख्शीश का खिलाफ कि बताओ दोनों लोग युद्ध एक साथ लड़ रहे थे, तुम कैसे राज्याभिषेक करा लिया। और उसके बाद इसने देखा क्या रही तो शाहजहां अभी जिंदा है, जब पहुंचा दिल्ली से देखा रही तो शाहजहां अभी जिंदा है, तो इसको बंदी करो, बंदी बनाओ पहले, इसी के कारण सब मार झगड़ा हो रहा है, इतना मार झगड़ा इसी के कारण हुआ, पहले इसको बंदी बनवा लिया और जेल में डलवा दिया। और उसके बाद फिर देवरायगढ़ की युद्ध में कौन आया, फिर ये दारा सिंह को आ गया। इस बार दारा सिंह को पकड़ लिया और इनको मार दिया, काम खत्म। तब तक फिर मुरादो बख्श उधर से आ गया, हमको राजा नहीं बनाया, मुरादो बख्श का फाइल निपटा दिया वहीं पर। कौन निपटा रहा है ये सब औरंगजेब कर रहा है, मुरादो बख्श का फाइल निपटा दिया। उसके बाद तब तक आया सासुजा आ गया उधर से, इनको भी कहे सासुजा रुको 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 तू कहा जा रहे, इनका भी फाइल वहीं पर निपटा दिया, तीनों भाई का फाइल निपट गया। अब बना कौन, औरंगजेब राजा बन गया, राजा कौन बन गया औरंगजेब, और इनकी जेल में क्या हो गई मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखना है राजा कौन बना, राजा बना औरंगजेब। अब हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे और एक अंतिम क्लास है उसमें पूरा खत्म हो जाएगा। हमें लगता है समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।